हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर पाइस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस। तो आज 3 जनवरी है और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो न्यूज़ है वो नाबार्ड बिल को लेकर के है। एक नाबार्ड बिल आया है 2017 में, इसको पेश किया जा रहा है। और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको पता है नाबार्ड का फुल फॉर्म, बहुत सारे काम करती है, खास करके रूरल सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट वगैरह के लिए फ़ंड होता है ये नाबार्ड की तरफ से किया जाता है। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, कुछ चेंजेस किया जा रहा है। तो अभी इसको लोकसभा से अप्रूवल मिल गया है, हालांकि इससे पहले लोकसभा से अप्रूवल मिल चुका था और राज्यसभा से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो द बिल सीक्स टू अमेंड नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के एक्ट को ये इसमें कुछ बदलाव करने के लिए जा रहे हैं। इट इस्टैब्लिश नाबार्ड फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज़। तो नाबार्ड का क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए कि जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फंडिंग होती है रूरल एरियाज़ में, वो नाबार्ड के द्वारा ही किया जाता है। एंड द बिल प्रोवाइड्स द यूनियन गवर्नमेंट अलोन मस्ट होल्ड एटलीस्ट 51% कैपिटल शेयर ऑफ नाबार्ड। तो कुछ चेंजेस किया जा रहा है बिल में, और उसमें ऐसा किया जाएगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी उनके पास 51% शेयर होल्डर होगा कैपिटल का। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब 51% किसी का वेटेज होता है तो फिर उसका डोमिनेशन रहता है, तो फिर वो जो कंपनी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। अगर 51% से कम शेयरिंग है, मान लीजिए 49% है, तो फिर उसमें वो फुल गवर्नमेंट की कंपनी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बिल में अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसमें किया जा रहा है कि 51% जो शेयर होल्डिंग होगी वो गवर्नमेंट की रहेगी इसमें। एंड द बिल रिप्लेस टर्म्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इन टिनी एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेक्टर विद द टर्म माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो माइक्रो इंटरप्राइजेस के नाम से जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उसको रिप्लेस किया जा रहा है, एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एज डिफाइंड इन द MSME एक्ट 2006। तो यहाँ पे छोटे छोटे बदलाव लाए जाएंगे, जैसे कि जो नाम है इंडस्ट्रीज़ का उसका नाम बदला जा रहा है। एंड इट ऑल्सो अलाउ नाबार्ड टू प्रोवाइड फंड असिस्टेंस टू बैंक इफ़ दे प्रोवाइड लोन टू MSMEs। तो ये बिल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड से जुड़े हुए और भी चीज़ों को देख लें कि कैसे फंडिंग करती है, कहाँ फंड करती है, क्या इसका रोल रहता है। तो आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता करके रखें क्योंकि रेलिवेंसी पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज गवर्नमेंट लॉन्चेस नारी पोर्टल एंड ई संवाद पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो वुमेन मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD, उन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल नारी, दैट इज nari.nic.in। तो जाहिर सी बात है नारी से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे वुमेन की बात की गई होगी। तो वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर के इस पोर्टल को लाया गया है, और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं जो वुमेन से जुड़ी हुई हैं और जो स्कीम्स वगैरह आती हैं गवर्नमेंट की वुमेन से जुड़ी हुई, उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा इस पोर्टल पे। तो दिस पोर्टल विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वुमेन ऑन इशू अफेक्टिंग देयर लाइफ्स। तो महिलाओं की लाइफ पेज या जीवन पे जिसका भी असर पड़ रहा है, जिन भी चीज़ों का, तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें यहाँ पे इस नारी पोर्टल पर होगा। तो इस पोर्टल पे जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खास करके ऐसे इन्फॉर्मेशन जो वुमेन्स के लाइव्स को अफेक्ट करती है, वो यहाँ पर दी जाएंगी, लिखी जाएंगी। एंड इसमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसमें कुछ सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि स्कीम्स आर डिवाइडेड इन द 7 डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सब का सेक्टर्स अलग कर दिया गया है कि कोई भी इजिली एक्सेस कर सकता हो। और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की भी बात की गई है कि किस तरीके से महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दिया जाना चाहिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथनेस लेकर के आनी चाहिए। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड टिप्स ऑन गुड न्यूट्रिशन, सजेशंस फॉर हेल्थ चेकअप, इन्फॉर्मेशन ऑन मेजर डिजीज एंड टिप्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एडवाइस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वुमेन से जुड़ी हुई होती हैं, खास करके न्यूट्रिशंस वगैरह की बात या फिर हेल्थ चेकअप की बात, जहाँ पे वो बहुत अनअवेयर रहती हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो इन चीज़ों से उनको अवेयर करने के लिए भी ये पोर्टल काम करेगी। इसके अलावा इट विल एंडो वुमेन विद पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बिल्ड देयर लाइफ स्किल्स एंड फैसिलिटेट्स देम इन टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर देम। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी वो सारी उनको मिल रही हैं कि नहीं, उसका भी पता लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट है ई संवाद पोर्टल। तो ये क्या है, दैट इज़ ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है इसको। एंड द पोर्टल टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर NGOs एंड सिविल सोसाइटीज़
टू इंटरेक्ट विद द मिनिस्ट्री। तो जो एनजीओज हैं या कुछ सिविल सोसाइटीज़ हैं वो इस मिनिस्ट्री से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएँ, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को लाया गया है, दैट इज़ ई संवाद, इलेक्ट्रॉनिक बातचीत। संवाद मतलब बातचीत, आपस में बातचीत। तो आपको समझ याद रखना है कि एनजीओ और सिविल सोसाइटी मिनिस्ट्री से, जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वहाँ से इंटरेक्ट कर पाए, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म को लाया गया है। दो द एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज़ कैन प्रोवाइड देयर फीडबैक, सजेशंस, पुट अप ग्रेवियंसेस एंड देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो भी एनजीओज हैं या सोसाइटीज़ जो हमारे यहाँ के पे काम करती हैं, वो अपना फीडबैक और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको वो लिख पाएंगी, क्योंकि आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी दिखाई देती है। कई बार एनजीओ को प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है एनजीओ से। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए और हमारे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी आए, उसके लिए ये पोर्टल काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। मेन्स वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में आंसर्स को। नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्नाटका रिसीव्स अप्रूवल फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर फेम इंडिया स्कीम। तो कर्नाटका ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि जो भी अब व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाएंगे वो फेम इंडिया स्कीम्स के तहत ही खरीदे जाएंगे। उसमें तो फेम इंडिया स्कीम क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम इंडिया वॉज लॉन्च इन 2015। 2015 में लॉन्च किया गया था फेम को, एंड अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, तो NEMM के तहत इसको लाया गया था। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है इस बार। एंड प्रमोटिंग इको फ्रेंडली व्हीकल इन द कंट्री, किस चीज़ को प्रमोट करता है ये फेम इंडिया, याद रखिए, इको फ्रेंडली व्हीकल को प्रमोट करता है, इकोलॉजिकल फ्रेंडली व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए कंट्री में। और ये जो ऑयल वगैरह से चलती है गाड़ियाँ, उसको बंद करने के लिए इसको लाया जा रहा है। एंड इट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फेम इंडिया स्कीम जो है उसको किसके तहत देखा जाता है। तो ये हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का स्कीम है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू प्रोवाइड फिजिकल एंड मॉनिटरी इंसेंटिव, फिजिकल और मॉनिटरी दोनों तरीके के इंसेंटिव हैं, फॉर अडॉप्शन ऑफ मार्केट क्रिएशन ऑफ बोथ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज व्हीकल इन द कंट्री। तो इसको अपनाने के लिए जो भी हेल्प है, असिस्टेंस दिया जाएगा, इसमें सब्सिडीज दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का सब्सिडाइज्ड स्कीम है, इसको याद रखिएगा। एंड द स्कीम कवर्स हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज लाइक अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, सॉरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस तरीके के व्हीकल्स इसमें लाए जाएंगे। ओवर FRDI बिल मिसप्लेस्ड गवर्नमेंट। तो ये जो FRDI बिल है बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाय डे। अब इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। तो देखिए जो NPAs वगैरह होते हैं बैंक में, उसको ख़त्म करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो बेल इन क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत विरोध कर रहे हैं लोग। तो हमारे मन में कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये बेल इन क्लॉज है क्या। तो देखिए जब बैंक होता है, बैंक में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कुछ वहाँ के अकाउंट होल्डर्स हैं, उसको उसमें कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ पे पैसा लगाते हैं उस बैंक में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ऐसा कभी होता है कि बैंक ख़त्म होने वाली है, दिवालिया घोषित होने वाली है, तो वहाँ के सारे पैसे जो हैं डूबने लग जाते हैं। तो ऐसे मोमेंट पे कई बार गवर्नमेंट वहाँ पे पैसे देती है, उस बैंक को पैसे देती है कि आप आगे और बिजनेस करो, तो और उनको बचाने के लिए बाहर से पैसा लगाया जाता है, तो उसको बेल आउट बोलते हैं। जब गवर्नमेंट ने किसी बैंक को बचाने के लिए पैसा दिया तो दैट इज़ बेल आउट पैकेज, बाहर से पैसा उनको मिला। लेकिन जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए लोगों का पैसा इस्तेमाल हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं, हमारा अकाउंट है उस किसी भी बैंक में, और अगर वो बैंक डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो हमारे पैसे जब इस्तेमाल किए जाएंगे उस बैंक को बचाने के लिए, जैसे कि उन्होंने हमें कहा कि अगर हमारा 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है, तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको 70,000 वापस करेंगे, 30,000 हम नहीं करेंगे वापस, बिकॉज हमने बैंक को बचाने में उसको लगा दिया, तो ये गलत है। लेकिन ये जब पैसे ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसको बेल इन बोला जाता है, बेल इन पैकेज। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के से जुड़े हुए लोगों का ही पैसा इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश की जाती है, दैट इज़ बेल इन क्लॉज। और यहाँ पे इस FRDI बिल में इसको ऐड किया जा रहा है, बेल इन क्लॉज को, कि कल के डेट में अगर पैसा किसी का डूबता है, क्योंकि बैंक अगर दिवालिया घोषित होती है, तो जो उसमें अकाउंट होल्डर्स होंगे उनका पैसा भी चला जाएगा, कुछ पैसे मिलेंगे, सारे पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि अभी तक RBI ऐसा गारंटी देती थी लोगों को कि हम आपको 1 लाख रुपीज़ तक वापस करेंगे, चाहे बैंक रहती हो या नहीं रहती हो। तो एक गारंटी की कमी दिखाई दे रही है,
इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं कम से कम वहाँ पे ऐसे पैकेजेस नहीं होने चाहिए। तो देखिए जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो क्लियर कट अपना नॉर्म्स पहले बता देती हैं, तो लोग उसी हिसाब से रिस्क ले करके अपना काम करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन ये जो ऐसे बिल जो कि सॉरी ऐसे बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो ट्रस्ट है वो लोगों का उठ जाएगा। एंड द गवर्नमेंट रिट्रेड द इम्प्लिसिट गारंटी फॉर द सॉल्वेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द बेल इन हैज़ बीन प्रपोज्ड एज वन ऑफ द रेजोल्यूशन टूल्स इन द इवेंट अ फाइनेंशियल फर्म इज शाउट टू बी सस्टेन्ड बाय द रेजोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है बेल इन क्लॉज, इसको ठीक से समझ लें, ध्यान से याद रखें क्योंकि हो सकता है प्रिलिम्स में ये क्वेश्चन इस बार सिर्फ बेल इन क्लॉज से ही आ जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर पॉलिटिकल डोनेशंस नोटिफाइड। तो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड काफ़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर से न्यूज़ में है। तो देखिए इसके कुछ बेसिक कॉन्टोर्स तैयार कर दिए गए हैं, कुछ बाउंड्रीज खींच दी गई हैं, लाइन्स खींच दी गई हैं कि यही चीज़ें होनी चाहिए इस बॉन्ड्स को खरीदने में। तो देयर डिनोमिनेशंस वैलिडिटी एंड एलिजिबिलिटी फॉर परचेजर्स, तो जो परचेज करेंगे इस बॉन्ड को, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, बॉन्ड एक तरीके का गारंटी पेपर आप कह सकते हो कि आप बैंकों में जाओ और वहाँ से परचेज करो, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं आप उसको, और उसके एवज में आप कुछ पैसे वहाँ पे जमा करो, तो फिर बाद में वो बैंक जो है वो आपको पैसा रिटर्न करती है जब आप उस बॉन्ड को रिटर्न करते हो बैंक को। तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाएगा 2017 में ये स्कीम लागू हुआ था, और इसमें अभी तय कर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें एलिजिबल होंगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वुड बी अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट्स एंड एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा ये, एक प्रॉमिसरी नोट्स की तरह होगा। प्रॉमिसरी नोट मतलब कि जब आप देखते हैं कि रुपए में जो नोट्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, दैट इज़ प्रॉमिस, कि जब बैंक प्रॉमिस करती है कि जब आप मेरे पास वापस इस बॉन्ड को लेके आओगे तो मैं आपको पैसे रिटर्न करूँगी। तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है, एज इज स्टेटमेंट मिल सकता है हमें एग्जाम में। तो इसमें पहला तो लिखा गया है कि सच बॉन्ड्स कैन बी परचेज बाय एनी इंडियन सिटीजन और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। याद रखिए कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो खरीद सकते हैं इस बॉन्ड को, और कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है इस बॉन्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कैन बी बॉट फॉर एनी अमाउंट इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1 करोड़ तक का इलेक्ट्रिकल जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदा जा सकता है। सेकेंडली कैन ओनली बी ब्रॉट फ्रॉम स्पेसिफाइड SBI ब्रांचेस। याद रखिए कौन सा बैंक इन्वॉल्व है, SBI इन्वॉल्व है, सिर्फ SBI ब्रांच से ही आप खरीद सकते हो इस बॉन्ड को। परचेजर मस्ट पे फ्रॉम KYC कंप्लायंट बैंक अकाउंट। KYC आप लोगों ने भी जहाँ जब बैंक का खाता खुलवाने जाते हो तो इस नॉर्म्स को हमें फॉलो करना होता है, तो जो इस नॉर्म्स को फॉलो कर चुके हैं वही लोग परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली बॉन्ड विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई एंड विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। ये जो लाइन है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। यहाँ पे जो लोग बॉन्ड खरीदेंगे उसका नाम बिल्कुल मेंशन नहीं होगा कि किसने खरीदा है। तो यहाँ पे अब कई बार इसमें बात विवाद काफ़ी उठ रहा था कि फिर तो ब्लैक मनी को भी वाइट करने का एक सीधा सा ये तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो पेई होंगे उनका नाम नहीं लिखा हुआ होगा। कैन बी यूज फॉर डोनेशन टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ओनली। तो जैसे जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, याद रखिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, तो जो जिनका रजिस्टर हो चुका है उनको ही ये, उनके नाम पे ही ये जो बॉन्ड है वो खरीदा जा सकता है। जो डोनेशन होगा वो किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के नाम से होगा, याद रखना। कैन बी इनकैश्ड ओनली थ्रू दैट पार्टीज बैंक अकाउंट। तो पार्टी के बैंक अकाउंट में बाद में ये इनकैश्ड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्या होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEs ने इम्प्लीमेंट किया है इस प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को, PMEGP याद रखेगा, विच इज़ अ मेजर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। ये एक सब्सिडी प्रोग्राम है एंड एम्ड एट जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज नॉन फार्म सेक्टर बाय हेल्पिंग ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो
तो इन लोगों के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है जो कि MSMEs में काम करते हैं या नॉन फार्म सेक्टर में काम करते हैं, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं और अनएम्प्लॉयड यूथ, इनके लिए भी है, और एनी इंडी 20 ईयर्स से अबव एज के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, उनको ये बेनिफिट्स मिल सकता है जो भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में लाया जाएगा। तो 5 लाख तक का 10 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को देने की बात की गई है, 5 लाख तक बिजनेस और सर्विस सेक्टर्स को देने की बात की गई है, एंड द बेनिफिशियरी शुड पोज एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 8वीं कक्षा तक पास होने चाहिए व्यक्ति, उनको ही ये हेल्प मिल पाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ई पशुधन हाट, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो लॉन्च करती है ये ई पशुधन हाट, और इसमें ये एक पोर्टल है, ई पशुधन हाट एक पोर्टल है जिस दैट कनेक्टिंग ब्रीडर्स एंड फार्मर्स ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स। तो इसमें ब्रीडर्स और फार्मर्स को कनेक्ट किया जाता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। थ्रू द पोर्टल फार्मर्स कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन लोकेशन ऑफ क्वालिटी इंडिजीनियस ग्राम प्लाज्म इन द फॉर्म लिव एनिमल प्लेस प्लेइंग क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीडेज। तो इंडिजीनियस ब्रीड को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए ये इस पोर्टल को लाया गया है ताकि ब्रीडर्स फार्मर्स का एक अच्छा कनेक्शन वहाँ पे हो पाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ऑल ऑफ द 4 प्लैनेट बिलोंग टू द क्लास ऑफ एक्सो प्लैनेट नोन एज हॉट जुपिटर्स डिस्कवर्ड बाय HAT साउथ टेलीस्कोप। डिस्कस किया था हमने कल, हॉट जुपिटर में जो 4 प्लैनेट ढूंढे गए हैं वो किसके द्वारा ढूंढे गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, हैट्स 50B इज द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट मैसिव एलियन वर्ल्ड ऑफ ऑल द न्यूली डिस्कवर्ड एक्सो प्लैनेट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट भीतरकनिका नेशनल पार्क। पहला स्टेटमेंट, इट होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द मैंग्रोव स्पीसीज एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। आपको बताना है कौन सा। देखिए, पार्कर सोलर प्रोब की बात की थी, कुछ लोगों का आंसर सही नहीं था, मुझे दुख हुआ। आप लोग प्लीज़ न्यूज़ को ठीक से सुना करें और आंसर सही से दिया करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए हमारे। तो इसको, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसके बारे में दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसरो ने लॉन्च नहीं किया है इसको, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरा, इट विल नॉट स्टडी द मार्स और जुपिटर, कुछ लोगों ने वीनस लिखा हुआ था। तो ये सोलर फ्लेयर्स जो आती हैं और वो उसके जो रेडिएशंस होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए इसको भेजा जा रहा है, जो पार्कर सोलर प्रोब है, ठीक है। इट विल नॉट स्टडी द मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाइट फ्रॉग स्पीसीज वॉज इन न्यूज़ फाउंड इन विच रीजन। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेस्टर्न घाट, बिल्कुल वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट स्वॉर्न वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसको रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी हियर एंड फॉर द डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।